उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को सोमवार दोपहर हरिद्वार में गंगा नदी में विसर्जित कर दिया गया। पूरे विधि विधान के साथ अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन कराया। इससे पहले उन्होंने यहां के नमामि गंगे घाट पर बैठकर पुरोहितों संग सारी पूजा की। अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ हरिद्वार पहुंचे तो यहां के नमामि गंगे घाट पर पूरी विधि के साथ पिता की अस्थि विसर्जन से पहले पिंडदान की पूजा को संपन्न कराया। अखिलेश अपनी पत्नी के साथ पूजा में बैठे रहे। पंडितों ने जिस तरह से सारी विधियों को समझाया उस तरह से सारी पूजा को संपन्न किया। इसके बाद अखिलेश यादव अपने पिता की अस्थियों को लेकर खुद घाट से नीचे उतरे, गंगा के बीच खड़े हुए, कलश को माथे पर लगाया, पिता को याद किया और ईश्वर से कामना की कि उनके पिता को सदगति प्राप्त हो। इन सारी विधियों के बाद अखिलेश यादव अपने पूरे परिवार के साथ गंगा नदी में स्नान करने उतरे। अखिलेश ने यहाँ पर डुबकी लगाई, माँ गंगा से आशीर्वाद मांगा कि उनके पिता को ईश्वर के चरणों में स्थान मिले और इसके बाद स्वयं परिवार के सारे सदस्यों को भी गंगा स्नान करने के लिए बुलाया। अखिलेश यादव के साथ उनके परिवार के लोग भी साथ नजर आए। घर की महिलाओं ने भी माँ गंगा का आशीर्वाद लेकर नेताजी की आत्मा की शांति की कामना की। मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर को निधन हो गया था और इसके बाद से ही अखिलेश यादव अपने पूरे परिवार के साथ सैफई में ही मौजूद हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।